चैप्टर 5 टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर 10। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करो। अ बॉडी इज मूविंग इन डायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट पावर। तो यहाँ पे पावर जो है वो कॉन्स्टेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रपोर्शनल टू फर्स्ट टी रेज टू 1/2, सेकेंड टी, थर्ड टी रेज टू 3/2 एंड द फोर्थ वन इज टी स्क्वायर। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, बॉडी जो उसका सोर्स है कॉन्स्टेंट पावर और वो इनडायरेक्शनली मूव कर रही है, सो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के प्रपोर्शनलिटी में कौन सा प्रपोर्शनल है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पावर है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। यानी मैं इसको W/T ऐसा लिख सकती हूँ। सो बेसिकली W इज इक्वल्स टू वॉट, P × T। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। बॉडी जो मूव कर रही है तो ये वर्क डन जो है उसकी कंपैरिजन में हम काइनेटिक एनर्जी भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे W इज इक्वल्स टू वॉट, डेल्टा K इज इक्वल्स टू P × T। ठीक है, तो डेल्टा K मीन्स वॉट, KF - K₀ इज इक्वल्स टू P × T। बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड KF मुझे मिल जाएगा, KF इज इक्वल्स टू P × T विच इज 1/2 ऑफ mv² इज इक्वल्स टू PT। आप सीधा इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू PT। मीन्स हमें मिलेगा v² इज इक्वल्स टू 2 × PT/m। सो v इज इक्वल्स टू वॉट, √2 PT/m। और यहाँ पे मुझे v मिलेगा dx/dt। यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, सो √2 PT/m। तो यहाँ पे मैं v इज इक्वल्स टू dx/dt ऐसा कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, dx/dt इज इक्वल्स टू √2 PT/m। मीन्स dx इज इक्वल्स टू √2 P/m इंटू √T dt। यहाँ पे पावर जो है वो कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे मास जो है वो भी कॉन्स्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू √2 P/m इज कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन t^2 1/2 dt। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x dx? इसकी फॉर्मूला हम जानते हैं, x^(n+1)/(n+1) अगर यहाँ पे n हो तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज वेरिएबल इटसेल्फ, √2 P/m, और इसका मुझे मिलेगा t^(1/2)/1)/1/2)+1। यानी √2 P/m t^(3/2)/3/2। यानी कि अगर मैं इसको ऊपर की साइड पे लिखूँ तो मुझे 2/3 मिल जाएगा, √2 P/m t^(3/2)। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t^(3/2) बिकॉज 2/3 √2 P/m इज कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t^(3/2)।